उत्तर रेलवे के 12 स्टेशनों सहित भारतीय रेल के 508 स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा शिलान्यास। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते हुआ प्यार, युवती घर छोड़कर हुई फरार, परिजनों ने पीपीगंज थाने में दर्ज कराया मुकदमा, तलाश में जुटी पुलिस। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शिकंजा सुदर्शन के बाद अब चलाया ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र। 50 अपराधियों को चिन्हित करके चलाया जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र, गूगल मैप के माध्यम से की जाएगी मॉनिटरिंग। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव के नेतृत्व में यातायात विभाग द्वारा चलाया गया अभियान, यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक, यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कैंट थाने की पुलिस टीम को बड़ी सफलता लगी हाथ, पुलिस टीम ने 3 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, किया अभियुक्तों के पास से 40 किलो से अधिक अवैध गांजा किया गया बरामद, एसपी सिटी पुलिस टीम को 10,000 रुपए का दिया इनाम। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दिखाई गंभीरता, शहर के स्कूल कॉलेजों के बाहर और पब्लिक प्लेस पर छेड़खानी छिटाकशी करने वालों के अभियान चलाकर कराई गई चेकिंग, दी गई चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई के छात्रों ने की प्रेसवार्ता, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और शुल्क वृद्धि में इजाफा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भारत सरकार के विजन या भारत को ध्यान में रखकर भारतीय रेल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस कार्य योजना के अंतर्गत भारतीय रेल के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी 6 अगस्त को किया जाएगा। विषय की जानकारी पत्रकार वार्ता कर पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशनों सहित भारतीय रेल के 508 स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे पर वाराणसी मंडल के वाराणसी सिटी, बनारस, बलिया, आजमगढ़ एवं देवरिया सदर, लखनऊ मंडल के बस्ती, बादशाहनगर, ऐशबाग एवं सीतापुर तथा इज्जतनगर मंडल के लालकुआं, कासगंज व फर्रुखाबाद स्टेशन सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक से संचालित किया जाने वाला रेलवे स्टेशन सुविधाओं में काफी इजाफा लेकर आने वाला है। पूरे पूर्वोत्तर रेलवे हम लोग कवर करते हैं और सारी मीडिया यहाँ की जो भी कवर करती है उनका कवरेज क्षेत्र पूरा पूर्वोत्तर रेलवे, इसलिए यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसके अलावा डिविजन में भी किया गया है, बट फिर भी आप लोग यहाँ के नोडल है तो आप लोग यहाँ से न्यूज को
स्पेशली देवरिया और बस्ती तो कई लोग यहाँ कवर भी काटते होंगे, वो लोग जाकर भी वहाँ करेंगे मेरे ख्याल से। अभी बिल्कुल अभी चूंकि ये लॉन्ग टर्म व्यवस्था है, जैसे ही ये शुरुआती फेज में एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, मास्टर प्लान के अंतर्गत एक कंप्लीट विकास किया जाएगा आने वाली 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए, तो ये सुझाव लॉन्ग टर्म प्लान के लिए मांगा जा रहा है। जो सुझाव आएंगे उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट होगा, तो फिर वो दोनों एंट्री एक समान लगेगा, उस तरीके से इसको चेंज किया जा रहा है। नेक्स्ट मंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, क्योंकि पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ ही फंक्शन होना है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मार्ग। सर कुछ प्लेसेस यहाँ पे डी की जो हम लोग फोटो देखते हैं वो सेकंड एंट्री की फोटो है जो हम लोग देखते हैं, इन फर्स्ट एंट्री जैसा नीचे फोटो दिख रही है वैसी है। तो बनारस मड़वाडी का नाम बनारस हो गया, इसकी सेकेंड एंट्री की फोटो नहीं लगा। चलो नेक्स्ट, ये देवरिया सदर है, मॉडर्न आर्किटेक्चर इसमें कुछ यूज कर, वाराणसी सिटी है। नेक्स्ट, कोई वॉक थ्रू वीडियो भी रखे हो इसमें, कोई एक वॉक थ्रू वीडियो दिखा दूं, बादशाह नगर या अहिशबाग का किसी का। वॉक थ्रू वीडियो कोई लाए हो? हाँ, वालू नहीं है। तो ये बादशाह नगर है? हाँ, ये बादशाह नगर होगा। ऐसे ही बनेगा सर ये? जो अभी क्या है कि अभी जो स्टेशन जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, 6 अगस्त को 508 रेलवे स्टेशनों का जिनका पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 12 रेलवे स्टेशन सम्मिलित हैं। डिवीजन वाइज बात करें तो वाराणसी डिवीजन के बनारस, वाराणसी सिटी, बलिया, आजमगढ़ और देवरिया सदर रेलवे स्टेशन हैं। लखनऊ मंडल के ऐशबाग, बादशाह नगर, सीतापुर और बस्ती रेलवे स्टेशन हैं। इज्जत नगर मंडल के इसमें 3 स्टेशन हैं, लाल कुआं, कासगंज और फर्रुखाबाद। ये 12 स्टेशनों की कुल अगर लागत जोड़ें तो 433 करोड़ रुपए की लागत आती है, और अलग अलग स्टेशनों का अलग अलग बाइफर्केशन है कि सबकी कॉस्टिंग की गई है। इसका शिलान्यास होने के बाद ही इसकी एजेंसीज फिक्स कर ली गई हैं और डिजाइन भी फाइनल कर ली गई है, तो इसका कार्य शुरू हो जाएगा। इसके कार्य के होने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, जैसे स्टेशन पे स्टेशन भवन का जो स्वरूप होगा वो एक आकर्षक स्वरूप में दिखेगा। उस जो भवन का स्वरूप होगा उसमें स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व और जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है इसकी झलक दिखाई देगी। स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर्स की सुविधाएँ भी उपलब्ध रहेंगी। 12 मीटर चौड़ा FOB भी बनाया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार एवं विकास किया जाएगा, जहां पे शहर बीच में स्थित है स्टेशन शहर के, वहां दोनों तरफ से कनेक्टिविटी होगी।
आने जाने वालों के लिए सेपरेट एंटी एग्जिट रहेगा। सभी स्टेशनों पर जो इसके अंतर्गत जहां कार्य होने हैं उसमें मॉडर्न टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, और जो वेटिंग हॉल हैं, लाउंज हैं, दिव्यांगजनों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उन सभी का प्रावधान भी इसमें किया जाएगा। तो ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनकर आप सभी लोगों को और आमजनों को मिलेगा। एक वर्ष में इसकी समय सीमा बता रहे हैं आप? बिल्कुल, इसकी एजेंसीज फिक्स्ड हैं। हम लोगों ने जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया है एक वर्ष का किया है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म योजना है। आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को डिजाइन किया गया है। सभी रेलवे स्टेशनों का एक मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है, जिसमें अभी की जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो सुविधाएं वहां पर होंगी, क्योंकि ये जो स्टेशन है इनको सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जो आम जन है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी रेलवे स्टेशन पे हो सके, और यहाँ जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी की जाएंगी, जिससे आम जन को स्टेशन पे सभी आवश्यकता की के सामान मिल सके। वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए जाए। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। आपको बता दें कि जहां पूरे देश में ऑनलाइन गेम के चलते प्यार का मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बन गया है, हर रोज कोई ना कोई युवक और युवती ऑनलाइन गेम खेलते खेलते प्यार कर बैठ रहे हैं, और कभी भारत से पाकिस्तान और कभी पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। फिर एक बार कुछ ऐसा ही मामला गोरखपुर जिले के पीपीगंज एरिया में देखने को मिला है। यहाँ भी फ्री फायर गेम खेलते खेलते युवती की एक युवक से दोस्ती हुई। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि युवती चुपके से घर से फरार हो गई। घर वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने पीपीगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर में लिखा है कि 30 जुलाई को मेरी 20 वर्षीय बेटी बाजार में कपड़ा वापस करने कहकर घर से निकली थी। वहां उसका ऑनलाइन वाला दोस्त रंजन कुमार उससे मिला और बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया। वहीं लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी इंटर पास करके घर पर ही रहती थी, वो डेली मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेला करती थी। इस दौरान उसकी दोस्ती रंजन से हुई थी। बेटी फोन पर ही ऑनलाइन रंजन से हमेशा बातें करती रहती थी। मुझे जब इसकी जानकारी हुई तो बेटी को डांट कर रंजन से बात करने से मना कर दिया। इसके बाद बेटी फरार हो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रंजन पर FIR दर्ज कर ली गई है। युवती और रंजन का मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है, जो अभी स्विच ऑफ बता रहा है। बहुत जल्द युवती को खोज निकाला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ये थाना पीपीगंज में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें एक लड़की थी जो बालिग है, वो एक गेम खेल रही थी फ्री फायर, और उसमें गेम खेलते खेलते वो किसी लड़के के संपर्क में आई और उसके साथ वो चली गई।
इस संबंध में उसके पेरेंट्स के द्वारा थाने पर एप्लीकेशन दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की को ट्रेस किया जा रहा है, जैसे ट्रेस होगी उसकी शीघ्र बरामदगी की जाएगी। मैम, एक ट्रेड देखा जा रहा है कि लोग इस तरीके के जरिए और ट्रेन में फंस जा रहे हैं और अपने बच्चों को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसे में गार्जियनों को अवेयर होने की जरूरत है। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख रहा है और उसको इंटरनेट की आवश्यकता है तो आप उसको मोबाइल फ़ोन दें, अन्यथा आप अनावश्यक मोबाइल फ़ोन देने की ज़रूरत है नहीं। आप उस पर मॉनिटर करें बच्चों को कि क्या देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो फिर अनावश्यक, अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन रहेगा तो फिर वो उल्टे सीधे कंटेंट्स भी देखते हैं और इस तरह के फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं, जहाँ पर लोग उनको बहला फुसला के ले जाते हैं या बहला फुसला के उनसे आपके अकाउंट नंबर या OTP मांग लेते हैं, उससे पैसे का भी फ्रॉड कर लेते हैं। तो इन सब से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और आवश्यकता अनुसार ही हमें स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक अगर हम उस पर लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग फ्रॉड के शिकार होंगे। अपराध और अपराधियों के ऊपर पूर्णतया रोकथाम लगाने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी को और प्रभावी बनाने के लिए ADG जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शिकंजा सुदर्शन के बाद ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र चलाया है। ADG ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि चिन्हित अपराधियों से सहमति लेकर ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र से अपराधियों की लोकेशन की निगरानी की जाएगी, जिससे उनके गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सके। शुरुआत में 50 अपराधियों को चिन्हित करके ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसका गूगल मैप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, ये इक्विपमेंट दे देती है, अभी हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उसके पे मैं वर्क कर रहा हूँ। जब हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तो मैं जो सहमत हो गए से लोग उनको हम ये देंगे। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस में दो तीन चीज प्रमुख है। नंबर वन जो मैं आपको बताऊंगा कि एक है कि निगरानी जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी, 24/7 होगी, लगातार एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनेगा जनपद में, जो ब्रह्मास्त्र के लोग उसको, जो भी अपराधी है उसको निगरानी रख सकेंगे, वीडियो कॉल से चेक कर सकेंगे। इससे दूसरा जो फायदा उनको होगा कि वो किसी फर्जी नामजदगी और चीजों से बच सकेंगे, और साथ ही साथ पुलिस का थोड़ा सकारात्मक रवैया भी इन लोगों के प्रति रहेगा। दो अपराधी एक कहेगा सर मैं नहीं आ रहा हूँ, एक कह रहा मैं आ रहा हूँ, तो स्वाभाविक है जो नहीं आ रहा है उस पर हमारी नजर और पैनी हो जाएगी कि उसके मन में कुछ खोट है ना। और सहमत जो प्रमुख इसका आधार है वो है सहमति। इसमें मेन चीज है कि उनकी सहमति हमें मिलेगी, क्योंकि इसमें हमारी इनेबलिंग अभी लॉ नहीं है, इसलिए हम लोग कंसेंट बेसिस पे चल रहे हैं। SP ट्रैफिक श्याम देव के नेतृत्व में लगातार यातायात विभाग द्वारा अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लोगों को जागरूक करते हुए यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहलेगंज चौराहे से मोहद्दीपुर चौराहा, विश्वविद्यालय चौराहे से रोडवेज तिराहा, रोडवेज तिराहे से महाराणा प्रताप तिराहा तथा महाराणा प्रताप तिराहा से यातायात तिराहा तक पैदल भ्रमण कर लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। वहीं अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देव ने कहा, देखिए गोरखपुर में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात के सुगम संचालन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल जो अभियान चलाया गया पैडलेगंज चौराहे तिराहे पर चलाया गया, फिर मोहद्दीपुर में चलाया गया, उसके बाद विश्वविद्यालय चौराहा, रोडवेज तिराहा, महाराणा प्रताप तिराहा से लेकर यातायात तिराहे तक ये अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को मुख्य मकसद जो है कि लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस लाना है, जिससे वो उनका जीवन सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उनको यातायात नियमों के विषय में बताना, तो इसके लिए अभियान चलाया गया। और जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिन्होंने पालन नहीं किया, उनके खिलाफ जो है कि यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी की गई है। अवैध रूप से जो लोग सड़कों का अतिक्रमण करके ठेले खोमचे लगाए थे उनको भी हटवाया गया, और ये अभियान आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं, और साथ ही
आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है डीपी ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस, 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज, 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। कैंट थाने की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने 3 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 40 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजा की कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि एडीजी महोदय ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान में कैंट थाने की पुलिस टीम को ये सफलता हाथ लगी है। कैंट थाने की पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान छुन्नू राव पुत्र विनोद राव, निवासी रूपाहरी ताड़ खैरा टोला, थाना बितहा, रमेश चौधरी पुत्र छोटे चौधरी, निवासी खोतहवा थाना थना, और राहुल कुमार पुत्र श्री हरेंद्र शाह, निवासी रित बड़हरा, मुरडी बाजार परसौना, थाना बितहा, जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार के रूप में हुई है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक शाहिद सिद्दीकी, उप निरीक्षक सुधांशु सिंह, थाना कैंट सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, कल एडीजी महोदय द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन के तहत जितने भी लोग जो नशे की डिमांड करते हैं, जो लोग रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, डोमिनगढ़ वगैरह विभिन्न जगहों पर रहते हैं, उन सभी लोगों से भी मिलाकर उनसे पूछताछ की गई क्या क्या परिस्थितियां जिनके अंदर वो लोग नशे का सेवन करते हैं और उनको कहां कहां से इस तरीके की सप्लाई मिलती है। उसी अनुक्रम में बाद में उस पर काम करने हुए एक लीड मिला जिसमें पता चला कि एक टीम जो कि ये बेतिया बिहार के रहने वाले हैं, पिंटू नाम का व्यक्ति जो कि नशे का कारोबार इधर पूर्व पश्चिमी बिहार और गोरखपुर के आसपास चलाता है, ये इसके लिए उड़ीसा से गांजा है वो वहाँ से उठवाता है। 3 कैरियर्स करीबन 40 किलो 250 ग्राम गांजा है वो लेके गोरखपुर उतरे और यहाँ से फिर कुशीनगर जाने वाले थे। उसी बीच में पुलिस को जो पहले मुखबिर खास दिन में उससे इंटेल मिला था उसी आधार पर इनको इंटरसेप्ट किया गया। इनके पास विभिन्न बैग में करीबन 4-5 बैग के अंदर ये भरा हुआ गांजा है, उसको गिरफ्तार बरामद किया गया है। उसके साथ साथ झुन्नू राव, रमेश कुमार और राहुल कुमार ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। ये तीनों लोग बिहार के रहने वाले हैं लेकिन ये लोग उड़ीसा जाके इस गांजा को लेके आए थे और बाद में इसको विभिन्न जगहों पे सप्लाई करते, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनका पूर्व का अभी तक कोई ऐसा मुकदमा प्रकाश में नहीं आया है लेकिन ये एक अच्छी सफलता इस मायने में है कि ऑपरेशन सुदर्शन के अंदर सप्लाई और डिमांड जो दोनों एस्पेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने में ये जरूर हमारी मदद करेगा। ये लोग कैरियर बन के पहली बार पकड़े गए हैं लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी ये इस तरीके का काम है ये करते आ रहे हैं। बिल्कुल इनसे पूछताछ चलेगी, पिंटू नाम का व्यक्ति है उससे भी पूछताछ चलेगी और उड़ीसा में जिस व्यक्ति से लाते थे वहां की पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन करके वहां पे भी जो ये
आपराधिक गतिविधि इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं के खिलाफ कार्रवाई की। गोरखपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने शेरनी दस्ते के साथ शहर के स्कूल कॉलेजों के बाहर और पब्लिक प्लेस पर छेड़खानी छिटाकशी करने वालों की चेकिंग अभियान चलाकर शोधों पर नकेल कसने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। साथ ही स्कूल कॉलेजों के अंदर छात्राओं को महिला संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी जा रही है और उन्हें स्कूल आते जाते समय होने वाली असुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ये जो शेरनी दस्ता है वो एक्चुअली जो पहले एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ करता था उसी को महिला सुरक्षा दल या शेरनी दस्ता के नाम से अभी जाना जा रहा है। ये एक दल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के कर्मी हैं और इस दल को महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशली जो स्कूल कॉलेज के टाइम पे और जो भीड़ भाड़ वाले हमारे स्थान है मार्केट्स हैं वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है ताकि किसी के साथ में कोई छेड़छाड़ या अभद्र घटना ना हो सके। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये प्रतिदिन निकलते हैं और अपने टाइम से जैसे स्कूल के खुलने बंद होने के टाइम पे भीड़भाड़ वाले स्थानों में भ्रमणशील रहते हैं लोग। इसके साथ ही मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम चलता है उसमें ये जो हमारा सुरक्षा दल है ये स्कूलों में जाता है और वहाँ पर बच्चियों के बीच में स्कूलों में वहाँ पर इनको जो महिला संबंधी कानून है टोल फ्री नंबर से सरकार के द्वारा जो जारी किए गए हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो जो हमारा शेरनी दस्ता है वो हमेशा राउंड द ईयर ये काम करता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर महीनों से आंदोलनरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर विश्वविद्यालय इकाई छात्रों ने प्रेस वार्ता करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 8 कार्यकर्ताओं को जेल और 22 पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें निष्कासित करने के संबंध में अपना विरोध जताते हुए छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और शुल्क वृद्धि में कमी करने की मांग की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के मंत्री सौरभ गौड़ ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार गोरखपुर विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को अवगत होगा कि पिछले एक महीने से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता लगातार कुलपति से सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन कुलपति की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच कई बार हमारे विद्यार्थी कई बार हमारे कार्यकर्ता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात करने के लिए समय मांगे लेकिन गोरखपुर विद्यालय के कुलपति सीधा मना कर दिए कि वो गोरखपुर विद्यालय किसी भी विद्यार्थी से मिलना नहीं चाह रहा है। तो इसी क्रम में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू किया कुलपति के खिलाफ और लगातार 10-12 दिन तक आंदोलन किया। विगत 21 तारीख को हम सभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हम सभी प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान सूचना मिलता है कि कई महीनों के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी अपने ऑफिस में आए हुए हैं। विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता हमारे उठते हैं और गोरखपुर विद्यालय के प्रशासनिक भवन में जाके धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जब भी माननीय कुलपति जी बाहर निकलेंगे तो हमारे पास 2 मिनट के लिए जरूर रुकेंगे और हमारे समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को गोरखपुर विद्यालय में क्या समस्या है। इस बीच 2-3 घंटे प्रदर्शन करने के बाद जब माननीय कुलपति जी बाहर निकलते हैं तो वो बाहर निकलने के बाद हम लोग के पास 1 मिनट भी खड़ा नहीं होते हैं और सीधा वो प्रशासन की सहायता से वो निकलने लगते हैं बाहर। उस बीच हमारे विद्यार्थी वर्ग कार्यकर्ता उन्हें पकड़ने का कार्य करते हैं कि रुके हमारी बातों को सुने। उस बीच झड़प भी होता है और कुलपति जी के कथनी के अनुसार और कुलपति जी के कहने पे पुलिस प्रशासन हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से खूब पीटती है। हमारे 8 कार्यकर्ता उस बीच जेल भी जाते हैं और लगातार 11 दिन तक जेल के अंदर भी रहते हैं। इस बीच विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कुलपति से फिर भी सवाल और जवाब करने का प्रयास करते हैं कि जो शुल्क वृद्धि का ये मामला है ये कोई एक विद्यार्थी का नहीं है। निश्चित तौर पर जो शुल्क इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, किसी किसी विषय के 400% फीस, किसी किसी विषय के 200% फीस, दुगुना तिगुना इस प्रकार जो बढ़ रहे हैं वो कम होना चाहिए। इसकी लड़ाई विद्यार्थी परिषद लगातार लड़ रही है। अभी भी हम सभी इतने संघर्ष करने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को जेल जाने के बाद भी अभी तक कुलपति जी का कोई जवाब अभी तक हम लोग के सामने नहीं आया। आज भी जो है हम सभी वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि शुल्क निश्चित तौर पर कम होना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी उसको विश्वविद्यालय में परेशानी होती है तो वो किसके पास जाएगा, ये अपनी समस्याओं को किसके पास जाएगा। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में ना कुलपति विद्यार्थियों से मिलने वाले हैं, ना कुलसचिव विश्वविद्यालय में मिलने वाले हैं, ना ही प्राक्टर के मिलने के बाद प्राक्टर कोई आश्वासन देते हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर विद्यार्थियों को परेशानी होती है तो वो किससे मिलने जाएगा। आज माहौल यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर किसी की भी जवाबदेही नहीं है। विद्यार्थी भटकता रहेगा, 365 दिन भटकता रहेगा, कभी उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कभी वो छात्रावास में पीएससी जो 12-12 महीने से लगातार रह रही है, जहाँ विद्यार्थी रहना चाहिए वहाँ पीएससी रह रही है, वो अगर कहने जाए फीस को लेके कहने जाए या कर्मचारियों की बात कर लीजिए, कर्मचारी अपने वेतन को लेके कहने जाए, शिक्षक किसी काम को लेके जाए, कोई भी सुनवाई गोरखपुर विद्यालय में नहीं है।
तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब यही कहना चाहते हैं माननीय कुलपति जी से कि अगर उन्हें लगता है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसा दें, उनके ऊपर बर्बरता करें, उनको जेल के अंदर ठूस दें अपराधियों की तरह, और उसके बाद उन्हें लगता है कि हम सभी डर जाएंगे और हम सभी अपना आंदोलन छोड़ देंगे या हम सभी सवाल और जवाब करना कुलपति से छोड़ देंगे, तो वो निश्चित तौर पे वो अपने एक गलतफहमी का शिकार हैं। और वो हमारे 8 कार्यकर्ताओं को ही नहीं, अगर वो 80 कार्यकर्ताओं को भी जेल के अंदर ठूस देते हैं और 800 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कर देते हैं, तब भी जो हम सभी सामान्य विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे ताकि एक सामान्य विद्यार्थी को न्याय मिल पाए, और वो भी गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे बना हुआ है, उनके विचारों को हम सभी वो साक्षात करते हुए हम सभी सामान्य विद्यार्थी गरीब विद्यार्थियों की का भी दाखिला कैसे गोरखपुर विद्यालय में सुनिश्चित हो सके, उसके लिए हम सभी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे 8 कार्यकर्ताओं में 2 कार्यकर्ता हमारे अगल बगल में बैठे हैं जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, जबरदस्ती इन लोगों के ऊपर अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, हर कदम कदम पर इन्हें अपराधियों की तरह टॉर्चर किया गया, इन्हें परेशान किया गया, और जब तक ये अभी जेल से बाहर नहीं आए तब तक इनको किसी न किसी मामले में लगातार परेशान किया गया। इसलिए परेशान किया गया कि इनको जो हम झुका दे ताकि ये फिर से किसी कुलपति से, किसी प्रैक्टर से, किसी शिक्षक से सवाल जवाब न कर पाए, और विश्वविद्यालय में उस कुर्सी पे बैठे ऐसे अधिकारी लगातार विद्यार्थियों के अधिकारों को अपने पैरों के नीचे कुचलते चले जाए। तो मैं अंत में यही आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा, तब भी हम सभी जो मुहिम चलाए हैं कि फीस कम होना चाहिए, वो हम और मजबूती से लड़ेंगे ताकि विद्यार्थियों को न्याय मिले। सौरभ गौड़, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी।